हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 18th वीक ऑफ एमसी न्यूज़। तो इस हफ्ते ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं आए हैं, पर जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, तो सभी अपडेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीक गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का फर्स्ट लुक देखने को मिला। ये एक टॉय बॉक्स है जायंट कॉन्ग का, जिस बॉक्स पर हमें फर्स्ट लुक देखने को मिला। टॉम एंड जेरी पर बन रही लाइव एक्शन फिल्म का एक न्यू लोगो रिलीज किया गया। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म हमें इसी साल दिसंबर के महीने में देखने को मिलने वाली थी, पर इसकी रिलीज डेट को नेक्स्ट ईयर तक के लिए डिले कर दिया गया है। रियान रेनॉल्ड की अपकमिंग फिल्म फ्री गाय से कुछ न्यू इमेजेस सामने आई हैं, जिसमें हम फिल्म के एक्टर्स जूडी कॉमर और रियान रेनॉल्ड को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन इमेजेस को पॉज करके देख लेना। नेटफ्लिक्स के शो लूसीफर सीजन 5 का एक ब्रांड न्यू पोस्टर रिलीज किया गया है, और ये शो नेटफ्लिक्स पे बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। एक्टर मा डोंग सॉक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म इटर्नल्स के पोस्टर से रिलेटेड कुछ इमेजेस शेयर की हैं, जिन इमेजेस में इटर्नल्स का फर्स्ट पोस्टर हमें देखने को मिला, पर इसे ऑफिशियली अभी रिलीज नहीं किया गया है। तो इस वीक स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से एक अनयूज्ड प्रोमो आर्ट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, आप इसे पॉज करके देख लेना। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से ही हमें एक बिहाइंड द सीन इमेज देखने को मिली, जिसमें हम फिल्म की एक्ट्रेस जेंडिया और एक्टर टॉम हॉलैंड को देख सकते हैं। वंडर वुमैन 1984 से भी कुछ न्यू इमेजेस देखने को मिली, जिसमें से एक में हम वंडर वुमैन को मास्क पहने देख सकते हैं। वहीं सेकंड इमेज फिल्म के ही एक सीन से है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अपकमिंग फिल्म नो टाइम टू डाई से दो न्यू इमेजेस देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें पॉज करके देख लेना। अपकमिंग फिल्म बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक का एक न्यू पोस्टर रिलीज किया गया है, और इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। फिल्म ब्लैक विडो से टास्क मास्टर और ब्लैक विडो के टॉयज को रिलीज किया गया है, जिनकी इमेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निकलोडियन पर बहुत जल्द स्टार ट्रैक की एक एनिमेटेड सीरीज को रिलीज किया जाएगा, जिसके टाइटल को रिवील कर दिया गया है, और टाइटल है स्टार ट्रैक प्रोडिजी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रूमर्स थे, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर डिले हो सकता है, और अब इसे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को अगस्त में रिलीज नहीं किया जाएगा, पर हाँ, इसी के साथ ये कंफर्म किया गया है कि ये शो इसी साल हमें डिज्नी प्लस पे देखने को मिलेगा, पर कोई ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म नहीं की गई है। वांडा विजन के शो को लेकर अपडेट था कि इसे डिले कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर तक के लिए, पर अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि ये शो भी हमें इसी साल देखने को मिलेगा, पर इसे दिसंबर में रिलीज किया जाएगा या नहीं, इसे कंफर्म नहीं किया गया है। और लूकी की रिलीज डेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये अभी भी नेक्स्ट ईयर मार्च या जून के महीने में रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि कॉन्जरिंग के थर्ड पार्ट को डिले किया जा सकता है, और अब इसे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट को डिले कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर तक के लिए, और अब ये फिल्म 4 जून 2021 में रिलीज होगी। डिज्नी प्लस पर अपकमिंग शो हॉकाई को डायरेक्ट करेंगे बर्ट एंड बर्टी एंड राइस थॉमस, और ये शो भी हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा। डिज्नी प्लस पर अपकमिंग शो मिस मार्वल के प्रोडक्शन को नवंबर के महीने में अटलांटा में स्टार्ट किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ही एक्टर टॉम हॉलैंड ने कंफर्म किया कि स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट की शूटिंग को 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट किया जाएगा, और इसे नेक्स्ट ईयर फैब के महीने तक खत्म भी कर दिया जाएगा। पर फिलहाल तो बहुत जल्द अनचार्टेड की शूटिंग स्टार्ट होगी, जिसके लिए एक्टर टॉम हॉलैंड जम के मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सोनिक द हेजोग के सेकेंड पार्ट को कन्फर्म कर दिया गया है, ये अपडेट तो मैंने पहले ही आपको दिया था, और अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि ये फिल्म हमें 2021 में अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी, पर हाँ, इसकी कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। तो अब आ जाते हैं इस वीक के लास्ट अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीक बड़े से बड़े स्टूडियो की तरफ से बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट को डिले किया गया है, जिनके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पर। तो इन सभी के बीच पैरामाउंट पिक्चर्स की तरफ से भी दो फिल्मों की रिलीज डेट को डिले किया गया है, जिसमें पहला नाम आ जाता है एक्टर टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म टॉप गन मैवरिक का, वहीं दूसरी फिल्म है अ क्वाइट प्लेस 2। ये फिल्म इसी साल 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, पर इसको डिले कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर तक के लिए, और अब ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 23 अप्रैल को रिलीज होगी। और आ जाए टॉप गन मैवरिक पे, तो ये फिल्म हमें इसी साल 23 दिसंबर को देखने को मिलने वाली थी, पर इसे डिले कर नेक्स्ट ईयर 2 जुलाई का सेट किया गया है। अब ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी।
तो फ्रेंड्स यही थे इस वीक के सभी अपडेट। कौन सा अपडेट आपको ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मूवीज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।